हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, थोड़ा सा ग्रीनिश लुक क्रिएट किया है आँखों में। तो आइए देखते हैं कैसे मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। तो मैं सबसे पहले ये एमोलिन मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। दिस क्रीम इज़ लाइक मैजिक, दिस इज़ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। इट गिव्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर टू माई फेस एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई इट, वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। एंड देन मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है एंड इससे मैं अपने आई एरिया एंड जितने भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं एंड जितने भी मेरे अनइवन टोन हैं उसको मैं इवन कर रही हूँ। एंड मैंने अपना फिंगर यूज़ किया है फॉर टैबिंग एंड अप्लाइंग दिस कंसीलर। यू कैन सी हाउ आई एम डैबिंग इट, यू हैव टू डू द सेम वे। एंड देन मैंने टू फाउंडेशन मिक्स किया है, एक मेबेलिन का है और एक लॉरियल का है, इन्फ्लामेबल। एंड आई लव मिक्सिंग, यू कैन सी इसका रिजल्ट, ये बहुत अच्छा टेक्सचर देता है, यू कैन सी माई बेस। नाउ मैंने मेबेलिन का एक शेड डार्कर कंसीलर लिया है एंड इसको मैंने डैप किया है आई एरिया में। इससे आपकी आई ब्राइटन अप हो जाती है, यू कैन सी हियर। एंड इसको अच्छे से डैप करना है स्पॉन्ज से। देन मैंने एक और कंसीलर लिया है एज रिफाइंड, ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है एंड रेगुलर के लिए एंड जो भी प्रोफेशन यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, यू कैन सी। नाउ मैंने एक पाउडर लिया है मेबेलिन का एंड इससे मैं पूरा लॉक कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपके क्रीजेस नहीं आते हैं जैसा मैं कर रही हूँ, आप देखिए। सो ये मेरा आईज़ कंप्लीट हो गया है, अब मैं आई शेडो की तरफ बढ़ रही हूँ। सो मैंने एक वार्म शेड लिया है एंड उसे अपने आईज़ में अप्लाई किया है, दोनों आईज़ में, यू कैन सी। सो आपको हमेशा पहले वार्म शेड से स्टार्ट करना है। देन मैंने एक फाउंडेशन लिया है एंड मेरे जो आई की लिड है उसके मिड में मैंने इस तरीके से इसे अप्लाई किया है। आज मैं थोड़ा ग्रीनिश शेड अप्लाई करना चाहती हूँ तो वो थोड़ा उभर के आता है। अगर आपको कुछ ऐसे ग्लिटर वगैरह कुछ भी लगाना है तो उसके लिए प्रोसेस सबसे बेस्ट है, आपको हल्का सा एक फाउंडेशन लेना है, उसको हल्का सा ऊपर आपके आईज़ में लगाना है। ऐसा मैंने ये ग्रीन शेड लिया है वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से, यू कैन सी। एंड ये पूरा आई में मैंने स्प्रेड कर दिया है, ओके, यू कैन सी। ऐसे आपके दोनों आई एरिया में आपको फिंगर से अप्लाई करना है। आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे फिंगर बहुत नॉर्मल लगता है तो मैं फिंगर यूज़ करती हूँ। एंड देन मैंने एक ब्रश लिया है एंड आपको हार्श लाइन को ब्लेंड करना है गाइस। जितना अच्छा आप ब्लेंड करते हैं उतनी अच्छी फिनिशिंग आपको आईज़ में मिलती है, तो मैंने काफ़ी देर तक इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। देन मैंने एक पैलेट से गोल्डन शेड लिया है एंड उसके ऊपर लगा लिया है, बिकॉज़ बहुत थोड़ा डार्क ग्रीन था तो वो थोड़ा एक अच्छा लाइट लुक आएगा आपके आईज़ में। तो आप देख सकते हैं हल्का सा ग्रीनिश एंड उसमें गोल्डिश मिक्स हो गया है। एंड देन मैंने मस्कारा लगाया अपनी आँखों में, यू कैन सी, आई कैन शो यू माई आईज, इट्स लुकिंग नाइस। एंड देन मैंने कॉन्ट्योर चालू किया है, यू कैन सी। पहले मैंने अपने जॉ लाइन को कॉन्ट्योर किया है, कॉन्ट्योर इज़ वेरी मस्ट प्रोसेस, ये आपके फेस में एक शेडो दे देता है एंड ये बहुत अच्छा लुक देता है। यू कैन सी कैसे मैं कॉन्ट्योर कर रही हूँ, यू कैन सी हियर, ये बहुत अच्छा एक मेरा शेड आ गया है यहाँ पे एंड मेरी जॉज ऐसे लिफ्टेड लगती हैं, ये आपके फेस को बहुत लिफ्टेड यू नो कर देता है। सो मैंने ब्रश लिया है, यू कैन सी हियर, एंड इसको मैंने बीच से पुश किया है एंड इससे ही मैं अपने नाक को कॉन्ट्यूर कर रही हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रश नहीं है मेरे पास कि मैं यू नो उसको अलग से लूँ एंड कॉन्ट्यूर करूँ। आपको आपकी मर्ज़ी, आप सेम ब्रश से भी यू नो कॉन्ट्यूर कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीट हो गया मेरा प्रोसेस कॉन्ट्यूरिंग का। नाउ वील कम फॉर द फेवरेट पार्ट एंड दैट इज़ ब्लश। सो आई एम जस्ट ब्लशिंग। आपको ब्लश हमेशा जो कॉन्ट्योर एरिया है उससे ऊपर करना है एंड उसको लिफ्टेड वे में करना है, ओके। आप कोई मतलब लाइक बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ गाल में ऐसे लगा लेते हैं, नो, यू जस्ट हैव टू लिफ्ट इट, यू नो ब्लश को आपको लिफ्ट करना है। सी लुक बहुत चेंज हो जाता है एंड आपकी जो फेस होती है वो बहुत लिफ्टेड लगती है। सो यहाँ पे मैंने अपना ब्लश का प्रोसेस कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स कम फॉर द हाइलाइटर थिंग। सो सेम ब्रश लिया है एंड मेबेलिन का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है एंड यू कैन सी ये गोल्डन शेड है एंड इट इज़ गिविंग मी अ गोल्डन टिंच, यू कैन सी योर।
नाउ सेम ब्रश से मैं थोड़ा नोज़ में भी करूँगी, यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा. एंड आप इससे अपने आईब्रो के ब्रिज एरिया पे भी यू नो हल्का सा अप्लाई कर सकते हैं. मैंने अप्लाई किया है, सो इससे लुक थोड़ा अच्छा हो जाता है, यू कैन सी. सो लेट्स कम टू द लिपस्टिक. सो एक मैंने मिस क्लेयर का लिया, एक ADS का लिया है, एंड आई एम जस्ट मिक्सिंग टू लिपस्टिक. सो पहले मैंने ADS का लगाया है, दिस इज़ वेरी नाइस शेड. सो आई हैव जस्ट अप्लाई ऑल ओवर माई लिप्स, एंड देन इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए आई हैव अप्लाइड मिस क्लेयर का लिपस्टिक. टू लिपस्टिक से क्या होता है, आपको एक डिफाइन शेड मिल जाता है. सो नाउ मैंने काजल अप्लाई किया है, ये नायका का काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है. एंड सो मैंने इसको बहुत डार्क नहीं लगाया है, इसको मैंने बहुत हल्के से एक हल्का, बहुत हल्का इफेक्ट दिया है. यू कैन सी मैंने अपने वाटर लाइन पर ही सिर्फ अप्लाई किया है. सो या आई विल शो यू द लुक. सो गाइज, मैंने अपना लुक कंप्लीट कर लिया है, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि कैसा लगा.